हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तेज क्वेश्चनल साइंस सो फ्रेंड्स आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं जिसकी हमारा नेक्स्ट फارم दैट इज फارم टेनोफोरा उसको फीचर एंड रिप्रोडक्शन एंड अदर फीचर्स आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे जो फाइलम सिलेंडरटा थे फ्रेंड्स उसको फ्रेंड्स अदरवाइज निडाइंस भी बोलते हैं तो फ्रेंड्स आज उस निडा की कुछ जो मेजर क्लासेस होते हैं उसको हम देखेंगे और फ्रेंड्स उसके देखने के साथ साथ तो फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ फाइलम टेनोफोरा उसको भी आज हम इस क्लास में ख़त्म करेंगे तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन इसकी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो फ्रेंड्स ये जो सिलेंडर रहा और निडाइंस होते हैं ये थ्री इसका थ्री क्लास में डिवाइड हुए हैं जैसे कि फ्रेंड्स क्लास वन दैट इज हाइड्रोजोआ जो फ्रेंड्स जो पोलिफ एंड मेडुसा दोनों में ही अकर करते हैं इसका दो एग्जाम्पल भी मैं बताया था जैसे कि हाइड्रोबेलिया एंड फाइसलिया तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्लास टू दैट इज सीजोआ जो, जो कि मेडुसा ही में ही अकर करता है ये पॉलिप में अकर नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल थी ओरिलिया क्लास थ्री दैट इज अंतोजुआ जो कि पॉलिप में ही अकर करता है

इसको लॉज ने नाइनटीन में पहले रिकोगनाइज की थी इट इंक्लूड ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ फिफ्टी स्पेसीज फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये स्मॉल ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स जिसमें फ्रेंड्स इसके अंडर फिफ्टी स्पेसीज ही आते हैं द एनिमल बिलोंगिंग टू दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड सी वालनट्स और कॉम्जली फ्रेंड्स जिस जिस भी एनिमल इसमें इसके अंडर आते हैं और फ्रेंड्स इसको बिलोंग करते हैं उस एनिमल को वनस और कॉम्प जली बोला जाता है ओके फ्रेंड्स दिन फ्रेंड्स फाइलोनी की कुछ एग्जाम्पल दैट इज कॉम्प जलिस एग्जाम्पल ये फ्रेंड्स रेडियल सीमेटरियल होते हैं फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स इसको कहीं तरह से भी कहीं से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है किसी पर भी ओके फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स कुछ और भी इसके हार्मलेस तो फ्रेंड्स ये हार्मलेस होते हैं फ्रेंड्स कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स देखिए Then, friends, इसका कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर चलिए देखते हैं फ्रेशन okay, okay, hey, नहीं रहते हैं सिर्फ सीर सी बॉडी बॉडी क्या होता है एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं

तो फ्रेंड्स ये जो बायोलुमिनेसेंस ये जो प्रॉपर्टी होते हैं फ्रेंड्स एक ग्लोइंग प्रॉपर्टी होते हैं जो कि लाइट में दिखाई देता है इस ऑर्गेनिज्म ने देन फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इसका जो सिमेट्री देयर रेडियली सिमेट्रिकल तो फ्रेंड्स अरेंजमेंट ऑफ बहुत कंप्लेक्स गिव्स अपेरेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री दिस फ्रेंड्स ये जो इसका जो बॉडी अरेंजमेंट होती है कम जो कि एक ऑफियरेंस देती है रेडियल सीमेट्री का तो फ्रेंड्स रेडियल सिमेट्री तो इसका तो मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुके हूँ जैसे फ्रेंड्स इसको कहीं से भी डिवाइड किया जा सकता है ओके फ्रेंड्स बट द देंटाकिल एंड ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैपिटी सो बायोलेट्रल फ्रेंड्स ये तो इसका सीमेट्री तो रेडियली सीमेट्रिकल होते हैं फ्रेंड्स गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का जो ब्रांचिंग एंड टेंटाकिल होते हैं ये फ्रेंड्स बायोलेट्रल सीमेट्रिकल बताती है ओके फ्रेंड्स सो सम जूलॉजिस्ट एक्सप्लिटर्स बायडाडियल सिमेट्री। तो फ्रेंड्स इसीलिए कुछ जो जूलॉजिस्ट होते हैं इसको बायडाडियल सीमेट्री बोल बोलते हैं एक्सप्ल कहते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डाइपलो प्लास्टिक तो फ्रेंड्स तो ये डायपलो प्लास्टिक तो होते हैं फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स इसका जो एम्ब्रॉइडिंग लेयर होते हैं वो टू एम्ब्रॉयिंग लेयर कंटिन्यू होते हैं इसका सेल अरेंजमेंट के लिए ओके फ्रेंड्स एंड एक्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो फ्रेंड्स इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइशन जो होते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फाइलमस की तरह ओके फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स जैसे कि नेटोमेंस कॉम्प इसलिए फ्रेंड्स इसका कॉम्प्लेट्स कुछ होते हैं एनिमल्स बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिया ये जो एनिमल होते हैं फ्रेंड्स वो एक्सटर्नल एट रो जो कि एट रो सिलिया कंटेनिंग होते हैं सिलिया इन इज बिलो ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम फ्रेंड्स सिलिया जो होते हैं फ्रेंड्स हर एक रो में ज्वाइन करते हैं कम फॉर्म फॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए द सीलियर मूवमेंट ऑफ कॉम प्लेट्स हेल्प इन लोकोमेशन तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं ये लोकोमेशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं पेयर ऑफ लॉन्ग रेक्टाइल टेंटाकल्स अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड इन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी तो फ्रेंड्स ये जो

कैसे स्ट्रक्चर होते हैं कैसे बनते हैं तो फ्रेंड्स ये इसका बॉडी प्लानिंग ये स्ट्रक्चर है इसका तो फ्रेंड्स चले देखते हैं ये आपकल वर्गन होते हैं जो कि ये में ये फ्रेंड्स आबोरल ये फ्रेंड्स ये आबोरल कैनाल होते हैं देन फ्रेंड्स टेन और कॉम्प्लेक्ट्स ये जो होती है फ्रेंड्स ये टेन और कॉम्प्लेक्ट्स होते हैं देन फ्रेंड्स हैव एट इवन स्पेसेस रो सिला के जैसे कि एट रो होते हैं फ्रेंड्स ईच वन इज टेन इसमें हर एक टेन होते हैं जो कि देन फ्रेंड्स टेंटाकल सेहत ये जो हो फ्रेंड्स ये सेहत होते हैं फ्रेंड्स ये जो होते हैं इसमें जो ऐसे हुए हैं फ्रेंड्स ये इसका माउथ और ये फॉरिंग्स ओके फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं देन फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट होते हैं दैट इज डाइजेशन सिस्टम फ्रेंड्स इसका डाइजेशन कैसे होते हैं मैं चलिए देखते हैं इट इज़ बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर इसका भी जो होते हैं फ्रेंड्स इसका डाइजेशन जो कि बॉडी का इनसाइड भी होते हैं और आउटसाइड बॉडी के अंदर में भी हो सकता है ये डाइजेशन एक्स्ट्रा भी जो कि आउटर बॉडी में हो सकता है भी फ्रेंड्स एक पेलिकुलर सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि ऑपोजिट साइड में दिखाई जाता है माउथ की एंड एंड की ऑपोजिट साइड में दिखाई देते हैं इट्स सेल्फ इन इक्विलिब्रियम ये बॉडी का इक्विलिब्रियम में है। आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स ये उसका कंप्लीट तो फिगर फ्रेंड्स इसका कैनाल स्टाटोसिस ये फ्रेंड्स इसका जो होते हैं फ्रेंड्स ये मेडिकल कैनाल होते हैं देन तो फ्रेंड्स ये स्टाटोसिस्ट होते हैं देन तो फ्रेंड्स इन्फंडिबुलम ये जो होता है देन रीब होता है देखिए हड्डियाँ मेडोनल कैनल होते हैं ये जो होते हैं इसका जो टू सी होते हैं फ्रेंड्स इसका जो वेथ ये फायरिंग फ्रेंड्स सेथ ऑफ टेंटाकल टेंटाकल जो होते हैं जो फूड कैप्चर में हेल्प होती हैं ये फ्रेंड्स माउथ ओके फ्रेंड्स ये टेंटेकल का कानल होते हैं ओके फ्रेंड्स ये थी इसका फिगर चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं फ्रेंड्स इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली ओनली तो फ्रेंड्स ये जो ऑर्गन जो होते हैं ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली सेक्सुअल प्रोसेस ओके फ्रेंड्स आज दे आर हर्माफोडाइट ये फ्रेंड्स हर्माफोडाइट होते हैं जो कि फर्ट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है बॉडी का आउटसाइड में डेवलपमेंट इनक्लूड्स साइड इफिक्ट लाभ तो फ्रेंड्स इसका जो डेवलपमेंट होती तो है वो साइड इफिक लार्भा में होता है तो फ्रेंड्स ये जो साइड इफिक्ट लाभ है फ्रेंड्स ये क्या होता है जो कि नेटोफोरा की होते स्टेज होते हैं लार्वा तो स्टेज होते हैं ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स देन कॉमन नेटोफरा जो कि लेवरा बचिया इसको सी गोसबेरी बोला जाता है अदरवाइज अदरवाइजेंस टेनोप्लाना सिस्टम जिसको गिडली बोला जाता है फ्रेंड्स फोर्स और बोरे ये इसका कुछ एग्जाम्पल है तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यही रखते हैं तो फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक नई फाइलम के साथ जो कि हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम प्लटी हेलमेंथेस इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स ऐसे बन रही है हमारे साथ आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल